इस वीडियो में हम अपडेट करने वाले हैं पबजी एमुलेटर को बिना इंटरनेट यूज़ किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने पुराने गेम लोड पर जाकर राइट क्लिक करेंगे। वहाँ से हम फाइल लोकेशन पर जाएंगे। फिर हमारा एक फोल्डर खुल जाएगा जहाँ पे हमको पता चलेगा कि हमारा फाइल कहाँ पे इंस्टॉल हुआ गेम। तो ऊपर जैसे देख सकते हैं मेरा डी में इंस्टॉल हुआ है। डी में से फिर हम टेम्प नाम के फोल्डर में जाएंगे। उसके अंदर हमको टी एक्स गेम फोल्डर में जाना है। फिर उसके अंदर से हमको मोबाइल सेट में जाना है। यहाँ पर हमको अपने मोबाइल से पबजी मोबाइल का OBB और पबजी मोबाइल का APK जो कि लेटेस्ट 0.18 का है जो अभी आया अपडेट, उसका वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। पुराना फाइल होगा तो उसको रिप्लेस कर देना है। फिर हम बैक जाएंगे। फिर हम प्रोग्राम फाइल्स में जाके फोल्डर को क्लिक करके UI वाले फोल्डर में जाएंगे। वहाँ से हम एंड्रॉयड एमुलेटर पे क्लिक करके उसको रन करेंगे। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। इसको रन करने के बाद हमारा एमुलेटर खुलेगा। जैसे ये 100% कंप्लीट हो जाएगा तो हमको वहाँ पे F9 दबाना है ताकि हम अपना लेटेस्ट पबजी का APK जो इंस्टॉल कर सकें। तो हम इसका वेट करेंगे। यहाँ पर हमको F9 दबाना है जिससे कि हमारे सारे एप्स इन बिल्ड जो है वो खुल जाएंगे। हमको यहाँ पर ES एक्सप्लोर डालना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप डायरेक्ट जो ब्राउज़र दिया वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसको इंस्टॉल करके ओपन करिए। ओपन करने के बाद हमको इंटरनल स्टोरेज में आना है। फिर यहाँ पर ऊपर एक स्लैश ऑप्शन बना होगा, स्लैश बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो हम रूट फाइल में आ जाएंगे। ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में बना होगा, देखिए ऐसे। अब उसके बाद हमको जाना है डेटा फाइल में, फोल्डर में। फिर वहाँ से नीचे शेयर वन में, फिर सॉरी हमको ये पबजी के मोबाइल का जो हमने APK डाला है उसको इंस्टॉल करना है। APK इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम ओपन करेंगे चेक करने के लिए कि वर्क कर रहा है कि नहीं। हाँ ये वर्क कर रहा है। अभी भी मैंने OBB नहीं डाला है इसलिए ये गेम ओपन नहीं होगा और ऊपर लिख के आ जाएगा कि डाउनलोड फाइल। देखिए अब हम इसमें OBB कॉपी करेंगे। बैक आ जाइए, वापस हम रूट फोल्डर में जाएंगे। रूट फोल्डर से हमको SD कार्ड में जाना है। SD कार्ड नाम का फोल्डर होगा। उसके पहले हमको अपनी OBB फाइल कॉपी कर लेनी है जो कि डेटा वाले फोल्डर में ही होगी। फिर उसको बाहर SD कार्ड में आके SD कार्ड में आके एंड्रॉयड में जाना है। एंड्रॉयड में OBB, फिर टेंसेंट के फोल्डर के अंदर जाके पेस्ट कर देना है। पुरानी कोई फाइल होगी कोई दिक्कत नहीं है, वो अपने आप रिप्लेस कर देगा। जैसे ये कॉपी हो जाए उसके बाद हमको सब कुछ बंद करके
गेम चालू कर देना है, हमारा गेम चालू हो जाएगा, हम वेट करते हैं। गेम कॉपी हो गया है, हम बैक आ जाएंगे। एक बार हमको पूरा गेम लूप बंद करना पड़ेगा ताकि वो सारी सेटिंग अप्लाई करे। देखिए जैसे कि बोल रहा है मुझे डीपीआई चेंज करने के लिए, तो गेम बंद करना पड़ेगा। अब अपने आप चालू हो जाएगा गेम। हमारा गेम इंस्टॉल हो गया है, बस ये लॉन्च होने के लिए रेडी है। देखिए हमारा गेम जैसे चालू हो चुका है। अब आप अपने एमुलेटर में अपनी फेसबुक या गूगल आईडी से लॉगिन कर लीजिए, जिससे कि आपको गेम के अंदर गूगल प्ले का ऑप्शन मिल जाए।